नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मजबूत पाचन तंत्र कैसे बनाएं। हमारे शरीर के लिए खाने से ज्यादा जरूरी उसे पचाना होता है। आप कोई भी जानवर का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी जो पावरफुल शाकाहारी हो जैसे बैल, घोड़ा और सांड, हम इन तीनों को ले लेते हैं। अब कई लोग ये समझते हैं कि अगर शरीर को बलशाली बनानी है तो प्रोटीन लो, सप्लीमेंट लो, काजू बादाम, देसी अंडे ये सब खाओ, तभी शरीर में जान आएगी, तभी बॉडी बनेगी। अब समझने वाली बात है, जब बैल भी घास खाता है, घोड़ा भी घास चढ़ता है और सांड भी घास खाता है, न तो घास में कार्ब है न फैट, लेकिन ये जानवर सिर्फ घास को ही खाकर अपने शरीर को इतना ताकतवर बना लेता है। घास में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो हमारे हरी सब्जी में पाए जाते हैं। हरी सब्जी खाने से हमारी पाचन तंत्र मजबूत होता है, इसीलिए डॉक्टर भी फल और हरी सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। घोड़ा हर रोज हरा घास खाता है, इसीलिए सबसे पहला फायदा तो इससे उसका पाचन तंत्र मजबूत होते जा रहा है। जब पाचन तंत्र मजबूत बनता है तो शरीर ऑटोमेटिक ही ताकतवर बनना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे प्रोटीन ले या न ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा खेल पाचन तंत्र की है। चाहे वह जिम भी न करे, उसकी मसल अपने आप बनती रहेगी। वो पूरा पूरा खाना डाइजेस्ट कर रहा है, जिससे एनर्जी और ताकत भी उसे पूरी तरह से मिलेगी। एक चीज आपने देखा होगा, किसी भी जानवर का बच्चा 3 से 4 माह दूध पीकर अपने शरीर को ताकतवर बना लेता है, लेकिन हम उस पशु का दूध हर रोज पी रहे हैं, वो चाहे गाय हो या भैंस हो या बकरी, लेकिन हमारे शरीर क्यों नहीं बनती। जानवर पूरा दिन जो भी घास खा रहा है वो उसके पाचन तंत्र को मजबूत कर रहा है। पाचन तंत्र मजबूत होने से ऑटोमेटिक जान आती जा रही है। थोड़ा बहुत चलने फिरने और कूदने से ही उसका स्टेमिना और मसल्स बन जाएगा। लेकिन मनुष्य अपने पाचन तंत्र के लिए क्या खा रहा है, उल्टे वो चीज खा रहा है जो उसके लिए बना ही नहीं। अगर आपको भी जानवर जैसे पाचन तंत्र चाहिए तो जितनी ज्यादा हो सके कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें। इससे थोड़ा दिन तो मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश जरूर करें। जितना फोकस आप प्रोटीन सप्लीमेंट खाने में कर रहे हो, उतनी ही फोकस फल खाने में करना शुरू कर दें। जहां आपकी पाचन तंत्र मजबूत हुआ, समझ लो कि अब एक रोटी से भी आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। नाश्ते से पहले फल, लंच से पहले सलाद और कभी भी कब्ज नहीं होने देना। दोपहर दही और लस्सी का सेवन और जब कभी भी खाने का मूड ना हो तो खाना ना खाए। चेहरे पर पिंपल्स निकलना, भूख ना लगना, हमेशा शरीर में आलस रहना, ये लीवर कमजोर के लक्षण होते हैं। जब भी आप खाना खाते हो तो ये चाहते हो कि वो खाया हुआ खाना 100% तक पच जाए। ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे शरीर का ग्रोथ नहीं होगी, थकान होगी, बस यही से आपको पता लगाना होगा। अगर आप चाहते हो कि खाया हुआ ठीक से पचे तो थोड़ा सा गुड़ का भी सेवन कर सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खाते तो बहुत है लेकिन उसके शरीर को लगता ही नहीं। शरीर बहुत पतला है, उम्र के हिसाब से मसल्स ग्रोथ नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता, तो आपको नाश्ते में 1/2 किलो दूध मिश्री मिला के पीना है। दिन भर केला खाना है, खाने को चबा चबा कर खाना है ताकि आपके पाचन तंत्र पर ज्यादा लोड ना पड़े। हो सके तो खाना जमीन पर बैठकर ही खाए। ये छोटे छोटे नियम आपको अपनाना होगा। सुबह का पानी भी आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। अगर आप सुबह 2 गिलास पानी पीते हो तो भोजन के समय आपकी जठराग्नि स्थापित होगी। लेकिन कई लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय काफी पीते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, वो भी पाचन के लिए खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा खाना खाने के 45 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। ये सभी बातें हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। इस तरह के छोटे छोटे नियम को अपना कर ही आप एक मजबूत पाचन तंत्र पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी युक्त वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।